बड़ी खबर आपको बता दें, कांकेर से स्वर्गीय मनोज मंडावी के बेटे ने नामांकन फॉर्म ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सावित्री मंडावी के लिए नामांकन पत्र लिया गया है और उसके साथ मनोज मंडावी के जन्मदिन को शुभ बताया। आपको बता दें, आज स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की जयंती है और कांग्रेस से प्रबल दावेदार मानी जा रही है सावित्री मंडावी। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने AICC को सावित्री मंडावी के साथ ही बीरेश ठाकुर का नाम भेजा है और आप देखिए, आज स्वर्गीय मनोज मंडावी की जयंती है और ऐसे में उनके बेटे ने नामांकन फॉर्म लिया है और इसके साथ बेटे अमन ने यह भी कहा कि आज मनोज मंडावी जी का जन्मदिन है, बेहद शुभ दिन है और इसलिए वो आज ही नामांकन फॉर्म ले रहे हैं। यानी कि अब तस्वीर साफ होती हुई और भी नजर आ रही है, कांग्रेस ने AICC को सावित्री मंडावी का नाम भेजा और शुरुआत से ही सावित्री मंडावी इस रेस में सबसे आगे चल रही थी। उन्होंने अपना सरकारी मुखरता के साथ सामने आए, प्रमुखता के साथ। और भानुप्रतापपुर उपचुनाव से बड़ा अपडेट आपको बता दें, भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन फॉर्म लिया है मनोज मंडावी के बेटे अमन मंडावी ने सावित्री मंडावी के लिए।